Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today in money chapter, we will understand about word problem of money. Example 1. A woman buy vegetable for rupees 35.50 paise, cosmetic for rupees 90 paise, and fruit for rupees 48.90 paise. How much money did she spend? एक ओमेन है जो वेजिटेबल खरीदती है वो कितने का खरीदती है 35 रुपीज 50 पैसे का एंड कॉस्मेटिक का सामान खरीदती है 90 रुपीज का फ्रूट्स खरीदती है ₹48.90। अब आपको बताना है कि उसने टोटल कितना पैसा स्पेंड किया खर्चा किया तो हाउ यू राइट द सॉल्यूशन चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं मनी स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स मनी स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स यहाँ पे लिख देंगे रुपीस और यहाँ पे लिख देंगे पैसे वेजिटेबल पर कितना पैसा खर्चा करती है 35 रुपीज 50 पैसे मनी स्पेंड ऑन कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स पर कितना खर्चा करती है 90 रुपीज एंड 0 पैसे मनी स्पेंड ऑन फ्रूट्स फ्रूट्स पर कितना खर्चा करती है 48 रुपीज 90 पैसे अब पता करना है कि इसने टोटल कितना पैसा खर्चा किया तो हम क्या करेंगे व्हाट वी डू ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐड तो ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल मनी स्पेंड टोटल मनी स्पेंड तो चलिए ऐड कर देते हैं 0 + 0 + 0 = 0 5 + 9 = 14 को 4 1 कैरी 5 + 1 = 6 6 + 8 = 14 को 4 1 कैरी 3 × 1 = 4 4 + 9 = 13 13 + 4 = 17 तो उसने कितना खर्चा किया वुमेन ने ₹174.40 स्पेंड किए वेजिटेबल्स पर कॉस्मेटिक्स पर एंड फ्रूट्स पर अ वुमन हैड ₹1000 सी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ रेडियो फॉर ₹150.90 एंड ड्रेसेस फॉर ₹660.60 एंड स्पेंड ₹20.80 ऑन कन्वेंस हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर एक वुमन थी उसके पास कितना पैसा था 1000 था सी वेंट टू द मार्केट वो मार्केट गई थी उसने रेडियो कितने का खरीदा था 150 रुपीज 90 पैसे का ड्रेसेस कितने का खरीदा था 660 रुपीज 60 पैसे का और आने जाने पर कन्वेंस पर उसने कितना पैसा खर्चा किया था 20 रुपीज 80 पैसे अब बताना हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर बताइए उसके पास कितना पैसा बचा तो पहले हम क्या करेंगे उसने कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्चा किया उसको हम क्या करेंगे पहले ऐड कर लेंगे फिर उसके पास कितना था उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसके पास कितना पैसा बचा हाउ वी डू सॉल्यूशन प्लीज सॉल्यूशन करते हैं मनी स्पेंड ऑन अ रेडियो यहाँ पे लिख देंगे हम रुपीज और यहाँ पे लिख देंगे पैसे 150 रुपीज 90 पैसे मनी स्पेंड ऑन ड्रेसेस डेट इज 660 रुपीज 60 पैसे मनी स्पेंड ऑन कन्वेंस कन्वेंस पर उसने कितना खर्चा किया 20 रुपीज 80 पैसे अब हम क्या करेंगे अब ओमेन ने रेडियो पर ड्रेसेस पर कन्वेंस पर इतने इतने पैसे खर्चा किए अब हम क्या करेंगे ये टोटल कर देंगे स्पेंड किए हैं इसको हम टोटल करेंगे चलिए हम टोटल करते हैं टोटल मनी स्पेंड चलिए टोटल करते हैं 0 + 0 + 0 = 0 9 + 6 = 15 15 + 8 = 23 23 × 3 = 2 carry 2 + 0 + 0 + 0 = 2 5 + 6 = 11 11 + 2 = 13 13 × 3 = 1 carry 1 + 1 = 2 2 + 6 = 8 तो ओमेन ने रुपीज 832
एंड 30 पैसे स्पेंड किए। नाउ वी हैव टू टेल हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। तो हम पहले क्या लिखेंगे, उसके पास कितना पैसा है। पहले लिखेंगे ओमेन हैड, यहाँ पे लिख देंगे रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे पैसे। ओमेन के पास कितना पैसा है, 1000, जीरो पैसे। जब पैसे की जगह कुछ ना दिया रहे तो हम 20 लगाएंगे, क्योंकि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। 100 में कितने जीरो होते हैं, 20, तो इसीलिए हम 20 लगाएंगे पैसे की जगह पर। अब उसने कितना पैसा खर्चा किया, मनी स्पेंड, डेट इज 832 रुपीज 30 पैसे। अब हमको ये पता करना है मनी इज लेफ्ट विथ हर, मनी इज लेफ्ट विथ हर। वॉट वी डू, एड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए जीरो पैसे में से 30 रुपीज माइनस होगा, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम बोरो लेंगे इसे रुपी। जब रुपी से हम बोरो लेंगे तो 1 रुपी ये देगा, 1 रुपी ये देगा, तो ये हो जाएगा 100 पैसे। जब पैसे को देगा तो कितना हो जाएगा, 100 पैसे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 इसको दिया तो इसके पास हो गया 100, यहाँ पे बचेगा 999। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पे 0 में से 3 नहीं माइनस होगा, सब बोरो लेंगे तो इसके पास हो जाएगा 10 और इसके पास बचेगा 0। 10 माइनस 3 7, 0 एज इट इज है। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 8 1। तो ओमेन के पास कितना पैसा बचा, ₹167.70। नाउ इट इज प्रैक्टिस टाइम। ए मैन बाय वेजिटेबल फॉर ₹45.25 एंड बॉटल फॉर ₹90 एंड ए केक फॉर ₹48.90। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। एक मैन है जो वेजिटेबल खरीदता है ₹45.25 की, बॉटल खरीदता है ₹90 की, केक खरीदता है ₹48.90 की। अब बताइए उसने कितना खर्चा किया। तो आप कर लेंगे ना, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, कॉस्ट ऑफ बॉटल, कॉस्ट ऑफ ए केक, अब उसके बाद आप टोटल कर देंगे। ओके, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मनी स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स, मनी स्पेंड ऑन बॉटल, मनी स्पेंड ऑन ए केक, उसके बाद टोटल कर देंगे, टोटल मनी स्पेंड। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसी वेंट टू द मार्केट, ही बॉट रिफाइंड ऑयल फॉर ₹78.80 एंड ए राइस फॉर ₹108.76। ही गेव ए 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी वुड द शॉपकीपर रिटर्न। रिसी मार्केट जाता है, वो रिफाइंड ऑयल खरीदता है ₹78.80 का, राइस खरीदता है ₹108.76 का, और वो शॉपकीपर को 500 रुपी की नोट देता है। तो आप बताइए शॉपकीपर उसको कितना रिटर्न करेगा। तो आप कैसे ये करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, ऋषि ने जो जो सामान खरीदा है उसको आप प्लस करेंगे, फिर ऋषि ने कितना शॉपकीपर को नोट दिया उससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आप प्लस किए रहेंगे। तो आप कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल, कॉस्ट ऑफ राइस, फिर टोटल कर देंगे। उसके बाद जो आपका टोटल आएगा उसको जो है 500 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा शॉपकीपर ने कितना ऋषि को रिटर्न किया। These two question you do yourself. I hope you understand the concept of word problem of money. We will meet in next video with next content of money. Till bye. Thank you.